बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर यासिर खान एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल लर्न विद खान। होपफुली यू ऑल विल बी फाइन, डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्राम द वीडियोज़ दैट वी हैव अपलोडेड ऑन आर यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चैनल की वीडियोज़ अगर आपको फ़ायदा दे रही हैं तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, इन पे अपने कमेंट्स दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जैसे आप लोग इस चैनल से फ़ायदा उठा रहे हैं ऐसे बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। इंग्लिश इम्प्रूवमेंट क्लासेस में हमारा जो टॉपिक आज से स्टार्ट होना है वो परफेक्ट टेंसेज के पैसिव वॉइस हमने स्टार्ट करने हैं। कॉन्टीन्यूस टेंसेज, इंडेफिनेट टेंसेज हमारे ख़त्म हो चुके हुए हैं, उनकी एक्सरसाइजेज हमने कर ली हुई हैं। परफेक्ट टेंसेज ये तीन ही रह गए हैं हमारे और इनके पैसिव वॉइस हमने करने हैं। परफेक्ट टेंसेज में पहला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसमें आपको पता है हैज़ हैव यूज़ होता है, वर्ब थर्ड फॉर्म, इसके एक्टिव में भी जो है वो वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और यहाँ पे अब पैसिव में हैज़ हैव के साथ बिन का इजाफा हो जाना है तो बड़ा आसान सा हो जाना है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ बिन या हैव बिन हो जाना है और हैज़ बिन किन के साथ आएगा, ही शी इट के साथ जो है वो और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ आ जाएगा, आई यू वी दे प्लूरल नाउन्स के साथ हैव आएगा। तो ये हैज़ हैव का सिंपल सा यूज़ है, वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है, ये बातें दो जेन में रखें, इसके पैसिव वॉइस बनते रहेंगे। अब अगर हम एक सेंटेंस देखें, उसको डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम उतारें उसको पूरा, तो उससे हमें एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हमने फॉर्म कैसे करना है। दूध उबाला जा चुका है, मिल्क हैज़ बिन बॉयल्ड, तो हैज़ बिन आएगा सिंगुलर नाउन जो हुआ, मिल्क हैज़ बिन बॉयल्ड। और अगर हो कि दूध नहीं उबाला जा चुका है तो हैज़ और बिन के दरमियान नॉट आ जाना है, मिल्क हैज़ नॉट बिन बॉयल्ड। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हैज़ ने फिक्रे के स्टार्ट में आ जाना है, हैज़ मिल्क बिन बॉयल्ड, क्या दूध उबाला जा चुका है। और अगर ऐसे ही क्या दूध नहीं उबाला जा चुका है, हैज़ मिल्क नॉट बिन बॉयल्ड। और अगर हो के दूध क्यों उबाला जा चुका है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो वो क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट पे आ जाएगा, वाई हैज़ मिल्क बिन बॉयल्ड। और दूध क्यों नहीं उबाला जा चुका है, वाई हैज़ मिल्क नॉट बिन बॉयल्ड। और दूध कैसे उबाला जा चुका है, हाउ हैज़ मिल्क बिन बॉयल्ड। अब ये आपके सामने अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स के साथ सेंटेंस फॉर्मेशन हो गई है। इसी के ऊपर एक्सरसाइज होगी, डिटेल्ड एक्सरसाइज होगी, उसे ये होगा कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कुछ आपको मज़ीद वर्ड्स मिल जाएंगे, वोकेबलरी बन जाएगी, आपको अपनी जो थॉट्स हैं उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में एक्सप्रेस करना आ जाएगा। इसकी डिटेल्ड एक्सरसाइज करते हैं। परफेक्ट टेंसेज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखें, जैसे अभी हमने कहा कि हैज़ बिन और हैव बिन यूज़ होगा और वर्ब थर्ड फॉर्म होगी। पहले हम एक्सरसाइज करेंगे, ज़रा मिक्स्ड एक्सरसाइज होगी। पहला सेंटेंस है कि मुझे सज़ा मिल चुकी है, तो ट्रांसलेशन होगी आई हैव बिन पनिश्ड। और नए कपड़े चोरी हो गए हैं, न्यू क्लोथ्स हैव बिन स्टोलन। चोर पकड़ा नहीं गया है, अब ये नेगेटिव है। द थीफ has not been caught, तो has not been आ गया, has been के दरमियान में not आ जाना है। अब interrogative आ गया, क्या है इमारत बन चुकी है, has the building been constructed, has the building been constructed और built, और sign of interrogation भी यहाँ आ जाएगी। आपको तरक्की दे दी गई है, you have been given promotion या you have been promoted। फिर अगला sentence होगा, तुम्हारी किताब वापस कर दी गई है, your book has been returned। पागल कुत्ता मार दिया गया है, the mad dog has been killed। और जलसा मुलतवी कर दिया गया है, the meeting has been postponed। ये तो हो गए mixed sentences। अगला इस exercise में sentence है, क्या आग बुझाई जा चुकी है, has the fire been पुट आउट। और क्या मकान जलकर राख हो गया है, हैज़ दी हाउस बिन बर्नड टू एशेज़।
बर्न टू एशेज होता है, जलकर राख होना। क्या तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले मकान नीलाम किया जा चुका है? हैज़ दी हाउस बिन ऑक्शनड बिफोर यू अराइव्ड देयर? उसकी बहन को ऑपरेशन के लिए अस्पताल दाखिल कर दिया गया है। हिज सिस्टर हैज़ बिन एडमिटेड टू दी हॉस्पिटल फॉर ऑपरेशन। और क्या तमाम खतूत तकसीम कर दिए गए हैं? हैव ऑल दी लेटर्स बिन डिस्ट्रीब्यूटेड और डिलीवर्ड? ये मिक्सड एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो गई। अब अगली एक्सरसाइज भी ऐसे ही है, मिक्सड ही है। पहला सेंटेंस है, लैम्प रोशन नहीं किए जा चुके हैं। दी लैम्प्स हैव नॉट बिन लिट और लाइटेड। नेगेटिव इंट्रोगेटिव मिक्सड होंगे ज़्यादा। क्या छुट्टी का ऐलान नहीं किया जा चुका है? हैज़ दी हॉलीडे नॉट बिन अनाउंस्ड? और वो हिरासत में नहीं लिया जा चुका है। ही हैज़ नॉट बिन टेकन इन टू दी कस्टडी या ही हैज़ नॉट बिन अरेस्टेड। फिर है, उसे मुलाजमत से बरतरफ नहीं किया जा चुका है। ही हैज़ नॉट बिन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस या डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब। क्या उसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं? हैव हिज क्लोथ्स बिन टॉर्न ऑफ? और क्या सब तलबा को ए ग्रेड दिया जा चुका है? हैव ऑल दी स्टूडेंट्स बिन अवॉर्डेड ग्रेड ए? और मकान में सफ़ेदी कब की जा चुकी है? व्हेन हैज़ दी हाउस बिन वाइट वॉश्ड? मुझे हमीद का अता पता नहीं बताया गया है। आई हैव नॉट बिन टोल्ड हमीद्स वेयर अबाउट्स। ये एक ही लफ्ज़ है। तो क्या मशीन को तेल दिया जा चुका है? हैज़ दी मशीन बिन ऑयल्ड? गरीबों को कहाँ खाना खिलाया गया है? वेयर हैव दी पुअर बिन फेड? नेक्स्ट सेंटेंस है, ख़राब सेब खाए नहीं जा चुके हैं। दी रॉटन एप्पल्स हैव नॉट बीन ईटन? घर में नकब नहीं लगाई जा चुकी है। दी हाउस हैज़ नॉट बिन ब्रोकन इन टू? क्या अमीरों से टैक्स वसूल किया जा चुका है? हैज़ दी टैक्स बिन रिसीव्ड और चार्ज्ड और कलेक्टेड फ्रॉम दी रिच? फटे हुए नोटों को जोड़ा नहीं जा चुका है। दी टॉर्न नोट्स हैव नॉट बिन मेंडेड और ग्लूड कर ले कि उनको जोड़ा नहीं गया। बच्चे को सुलाया नहीं जा चुका है। दी चाइल्ड हैज़ नॉट बिन पुट टू बेड? और क्या उनका अतिया मौसूल हो चुका है? हैज़ देयर डोनेशन बिन रिसीव्ड? और उम्मीदवारों को रोल नंबर्स क्यों जारी नहीं किए जा चुके हैं? वाई हैव द कैंडिडेट्स नॉट बिन इशूड रोल नंबर्स? और क्या तमाम वोटरों के नाम रजिस्टर में दर्ज किए जा चुके हैं? हैव द नेम्स ऑफ ऑल द वोटर्स बिन एंटर्ड इन रजिस्टर या हैव द नेम्स ऑफ ऑल द वोटर्स बिन रजिस्टर्ड? ऐसे इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस उम्मीदवार को एक वोट भी नहीं दिया गया है। दिस कैंडिडेट हैज़ नॉट बिन गिवन ए सिंगल वोट या नॉट इवन ए सिंगल वोट हैज़ बिन कॉस्ट इन द फेवर ऑफ दिस कैंडिडेट। ऐसे आप जो है वो इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर इस फैसले पर इत्तेफाक नहीं हो चुका है। दिस डिसीजन हैज़ नॉट बिन एग्रीड अपॉन। क्या अजनबी की रहनुमाई की जा चुकी है? हैज़ दी स्ट्रेंजर बिन गाइडेड? क्या तमाम गवाहों को बुलाया जा चुका है? हैव ऑल दी विटनेसेस बिन समन्ड? जलसा मुलतवी क्यों किया जा चुका है? वाई हैज़ दी मीटिंग बिन पोस्टपोन्ड? और क्या डूबी हुई कश्ती दरिया से निकाली जा चुकी है? हैज़ दी संक बोट बिन पुल्ड आउट ऑफ दी वाटर? कबूतरों के पर नहीं काटे जा चुके हैं। दी फैदर्स ऑफ पिजन्स हैव नॉट बिन क्लिप्ड? और है कि क्या शेर पिंजरे में बंद किया जा चुका है?
हैज़ द लायन बिन केज्ड या हैज़ द लायन बिन पुट इन टू द केज, कुत्ते को कुएं से नहीं निकाला जा चुका है. द डॉग हैज़ नॉट बिन टेकन और पुल्ड आउट ऑफ द वेल, या आएगा टेकन आउट ऑफ द वेल या पुल्ड आउट ऑफ द वेल. क्या सब लड़कों को जुर्माना मुआफ़ किया जा चुका है? हैव ऐसे ही इसको हैव ऑल द बॉयज़ बिन रेमिटेड द फाइन या हैज़ द फाइन ऑफ ऑल द बॉयज़ बिन रेमिटेड, ऐसे ही इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं. और नेक्स्ट सेंटेंस है, आपके ख़त का जवाब नहीं दिया जा चुका है. योर लेटर हैज़ नॉट बिन रिप्लाइड टू. और बैंक से रुपया कैसे निकलवाया जा चुका है? हाउ हैज़ द मनी बिन विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक. अब ये एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है. मुझे उम्मीद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गई होगी. इसको ऐसे ही यहाँ से देख देख के आप लोग लिखें, रजिस्टर पे इसको नोट करें, अपने रजिस्टर्स बनाएं, नोट्स बनाएं. और इसके अलावा भी और भी कोई ग्रामर आपके पास है वहाँ से भी इसके और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें. जितनी प्रैक्टिस करें उतनी ही कम है. प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें जो है वो फ्लुएंट हो जाएंगे आप इनमें. और ये लेक्चर अगर आपको फ़ायदा दे रहे हैं, चाहे चैनल आपको फ़ायदा दे रहा है, इसको सब्सक्राइब लाजमी करें, इसको लोगों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.